स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल टेक्निकल दिलसाद में। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा फेम पे ऐप क्या है, फेम पे ऐप का अकाउंट कैसे बनाते हैं और फेम पे ऐप को यूज करने के क्या क्या फायदे हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन को दबा दीजिए। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फेम पे ऐप की जो खास बात है, फेम पे ऐप में खास बात ये है, फेम पे ऐप उन युवकों के लिए बनाया गया है जो 18 साल से कम है और 13 साल से ऊपर है। और फेम पे ऐप का अकाउंट बनाने में आपको पैन कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है, बिना पैन कार्ड के फेम पे ऐप का अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन फेम पे ऐप में मोबाइल नंबर और आधार कार्ड होना जरूरी है। अब अगर आप फेम पे ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इजीली आप प्ले स्टोर से आसानी से फेम पे ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। और फेम पे ऐप को इंस्टॉल करने के बाद जब आप उसका अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले आपको उसमें अपना फर्स्ट नाम लिखना होता है, लास्ट नेम लिखना होता है और अपना डेट ऑफ बर्थडे लिखना होता है। और फेम पे ऐप में अकाउंट बनाते वक्त आपको अपना मोबाइल नंबर भी डालना होता है और आपके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आता है वो आपको वेरीफाई करना होता है। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड डालना होता है, आधार कार्ड जिस नंबर से लिंक होता है उस नंबर पर एक ओटीपी आता है और वो ओटीपी डालने के बाद आप फेम पे ऐप में बड़ी ही आसानी से अपना अकाउंट बना सकते हैं। फेम पे वॉलेट में अगर आप पैसे ऐड करना चाहते हैं तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग यूपीआई के द्वारा भी आप फेम पे ऐप में और फेम पे ऐप से आप सभी तरह की ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। फेम पे ऐप में आपको एक एटीएम कार्ड भी मिलता है, उस एटीएम कार्ड के द्वारा फेम पे ऐप से आप पेमेंट कर सकते हैं और आप फेम पे ऐप से एक एटीएम कार्ड ऑर्डर भी कर सकते हैं। फेम पे ऐप 13 से 18 साल के युवक ही यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप में से किसी की उम्र 18 से ज्यादा है और आप फेम पे यूज करना चाहते हैं तो जो आपके आस पड़ोस में कोई फेम पे यूज करता है वो अगर आपको इनवाइट करता है तो आप भी फेम पे ऐप को यूज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।